गुलबर्गा शहर के दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह के सज्जादा नशीन व मुतवली जनाब हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब को तारीखी ग्रैंड पैमाने पर 7 जेसीपी और 2 क्रेन के जरिए फूलों की बारिश और 2 कुंटल के 2 बड़े फूलों का हार पहना के इस्तकबाल किया गया। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के मुतवली इलेक्शन 2024 के चलते कांटे की टक्कर देके जीत हासिल करने के बाद जनाब हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब का हैदराबाद के एयरपोर्ट से ही ग्रैंड वेलकम किया गया और उनके साथ 30 से जायद कारों के काफिले के साथ गुलबर्गा शहर के लिए सफर के दौरान हर जगह जगह पे उनकी कार को रुका के उनके चाहने वालों ने तहनियात पेश करते गए और मुबारकबाद पेश की गई। शहर के कमनोर एंट्रेंस में 4 जेसीपी के जरिए फूलों की बारिश करते हुए एक क्रेन के जरिए 2 कुंटल का बड़ा फूलों का हार पहना के तारीखी ग्रैंड पैमाने पे उनके चाहने वालों की जानिब से इस्तकबाल किया गया और जनाब हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब और जनाब डॉक्टर सैयद मुस्तफा अल हुसैनी साहब ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के स्टैचू को फूलों का हार पहना के शहर में एंट्री की गई। उसके बाद शहर में अलग अलग जगहों पे जनाब हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब और जनाब डॉक्टर सैयद मुस्तफा अल हुसैनी साहब को तहनियत पेश की गई। रिंग रोड उमनाबाद सर्कल से बाइक रैली के साथ उनका वेलकम करते हुए मुस्लिम चौक पर अजीम शनी फरोज अलमदार जैदी हयास खान उर्फ तब्बू खान ताहिर अली ने आतिशबाजी के साथ जेसीपी के जरिए फूलों की बारिश करते हुए जनाब हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब और जनाब डॉक्टर सैयद मुस्तफा अल हुसैनी साहब को एक बड़ी बग्घी में बिठा के उनके ऊपर फूलों की बारिश करते हुए उनका ग्रैंड पैमाने पर वेलकम किया गया। इस बाइक रैली में नौजवानों की दिल की धड़कन अवामी हर दिल अजीज जनाब अली बाबा साहब जिंदाबाद के नाम के नारे लगाते हुए गए और मस्जिद मकबरा में जनाब मसीउद्दीन जागीरदार की जानिब से जनाब हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब और जनाब डॉक्टर सैयद मुस्तफा अल हुसैनी साहब की तहनियत पेश की गई और मुबारकबाद पेश किया गया। जलालवाड़ी में जनाब नईम खान सदर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी और जनाब खुसरो जागीरदार कॉर्पोरेट वार्ड नंबर 20 की जानिब से ग्रैंड पैमाने पर आतिशबाजी के साथ फूलों की बारिश करते हुए तहनियत पेश करते हुए उनका इस्तकबाल किया। दरगाह शरीफ के सामने गेट के पास नौजवानों की जानिब से 2 कुंटल का बड़ा फूलों का हार पहना के इस्तकबाल किया गया और बारगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह के 11 सीढ़ी पे सेक्रेटरी दरगाह शरीफ जनाब अब्दुल बासित ने जनाब हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब और जनाब डॉक्टर सैयद मुस्तफा अल हुसैनी साहब को तहनियत पेश किया गया। इस दौरान जनाब मीर विलायत अली डिप्टी रजिस्ट्रार केवीएन यूनिवर्सिटी भी मौजूद थे। उसके बाद जनाब हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब और जनाब डॉक्टर सैयद मुस्तफा अल हुसैनी साहब ने गुम्बद मुबारक में पहुंचकर चदर गुल पेश किया और फातेहखानी हुई और सलाम पेश करने के बाद सारे दरगाहों की जियारत की। जनाब हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब और जनाब डॉक्टर सैयद मुस्तफा अल हुसैनी ने अपने दादा जान मरहूम जनाब सैयद मोहम्मद अल हुसैनी साहब किबला और मरहूम जनाब डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब किबला की जियारत की और अपने नम आंखों से अपने वालिद बुजुर्गवार को याद करते हुए फातेहखानी की गई। दियोड़ी में अंदर दाखिल होने के बाद 2 जेसीपी के जरिए वहां पे फूलों की बारिश की गई और कई सारे उनके चाहने वालों की जानिब से तहनियत पेश की गई और जनाब हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह और जनाब डॉक्टर सैयद मुस्तफा अल हुसैनी साहब डायरेक्टर केवीएन यूनिवर्सिटी ने इस रैली में आए हुए सारे लोगों को शरबत पेश किया गया। इस मौके पे जनाब सैयद शाह तकीउल्लाह हुसैनी जनाब मीर सदरुद्दीन अली खान साहब जनाब सैयद अहमद हुसैनी जनाब सैयद मुर्तुजा हुसैनी जनाब सैयद आकिब हुसैनी जनाब सैयद बाबा जनाब अलीम बाबा जनाब सैयद वली बाबा के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सुन ले जहां सुन ले अज़मे